तो हेलो गाइस, छोटे बड़े बड़े व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, सुबह की गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज करते किसी टॉपिक पे बारे में बात। तुम लोग को समझ नहीं आ रहा था कौन सा टॉपिक पे ब्लॉग बनाया जाए अब, क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। और क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए मोटो ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ अभी, पर उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पा रहा, जिसके लिए मैं सोच रहा हूँ जो मोटो ब्लॉगिंग करें कहीं बाहर जाके राइड करूँ, उसके लिए भी टाइम नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा काम भी है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में भी क्योंकि बाहर निकला भी नहीं जा रहा इस टाइम पे, घर से कम से कम हमारे यहाँ टेम्परेचर कम से कम 40 से प्लस है यहाँ पे टेम्परेचर, जो बारिश होने के बाद भी इतना टेम्परेचर, इतनी गर्मी है जो कि अब तुम देख सकते हो गाइस। तो कैसा जाया जाए कहीं बाहर, जो मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं चाहता हूँ बाहर जाना। और तो वैसे लाता तो रहूँगा मैं ब्लॉग्स, तो वैसे इस चीज़ की टेंशन मत करो। तो गाइस बस थोड़ा सपोर्ट करना, बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए गाइस। और क्या बताएं गाइस, आप बताओ, आप सुनो और सब कुछ अपने हाल। आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस ये देख रहे हो मिनर, ये मेरी घर की लोकेशन है, ये देख रहे हो, इज दिस माई, जैसा कि मेरा रूम है जहाँ पे मेरा जो एडिटिंग वगैरह करता हूँ अपने कमरे की जो वीडियोस वगैरह की, ब्लॉग्स की। तो गाइस, तो यार वैसे गाइस आज थोड़ा कहीं चलते हैं, थोड़ा बहुत गर्मी भी हो रही, कहीं जाने का मन भी नहीं कर रहा और एक मन कर रहा जाने का भी, कोई गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है क्या बताएं गाइस आपको भी। और चलते हैं कहीं बाहर थोड़ा सा, कि थोड़ा जो ब्लॉग बनाया जाए, थोड़ा बाहर के लोकेशन भी दिखाते हैं, पर यहाँ पे नहीं, कहीं दिल्ली साइड में, यहाँ पे नहीं, नरले में तो ऐसे बहुत से लोकेशन है जो आपको दिखा भी दूँ, बहुत कुछ है नरले में। तो अपना हरियाणा भी, मतलब अपना हरियाणा ही पड़ता जो अपना नरला है। अब क्या बताऊँ, बस दिल्ली साइड चलते कहीं थोड़ा घूम के आते थोड़ा। तो चलो आपको कहीं रोड पर मिलता हूँ। तो यार जैसा कि गाइस यार बारिश का मौसम हो चुका है, जैसा देख रहे हो आप, मौसम हो चुका है बड़ा मस्त और रोड है, मैंने कहे थे आपको रोड पे मिलेंगे, रोड पे आ चुके हैं। जैसा कि तो जैसा कि गाइस स्कूटी हो चुकी है हमारी खराब, तो और लोकेशन दिखाते कहाँ पे हुई है। ये खड़ी हुई स्कूटी जैसे खराब हो गई है। सही गाइस देख रहे हो तुम, मेरे पसीने कम से कम 5 किलोमीटर पैदल ले आया, अब हिम्मत नहीं है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, देख रहे हो। और दिखाते कहाँ पे है, ज़्यादा थक चुका था तो आके नहाया, पहले तो नहा के थोड़ा मूड फ्रेश करा, और अभी के बज रहे हैं 11, तो बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि अभी 10:30 बजे घर पे आया था, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, बस आज बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना हालत, वो ज़्यादा हालत टाइट हो गई। जैसे पहली बार इतनी पैदल चला, जो स्कूटी लेके कहीं पे भी, किसी ना बाइकर्स वाले इतने थे, किसी ने पैर नहीं लगाया, और कम से कम 8 से 9-10 किलोमीटर पैदल लेके चलाऊ मैं आज,
पहली बारी में हुआ चल ठीक है, मैं ठीक करवा ली फिर स्कूटी, फिर दूसरी बारी में भी हुआ, दूसरी बारी में क्या हुआ कि प्लग शॉर्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ एकदम से यार, दो बार स्कूटी खराब हुई, दोनों बार मेरी ऐसी हालत टाइट हुई जो की तो बस पता नहीं सकता, इसलिए मैंने फिर कहीं पे जो कैच करानी कहीं पे वीडियो वगैरह के लिए यहाँ पे की ब्लॉग शूट करूं, तो इसलिए फिर मैंने बस घर पे आके सोचा कि घर जाके फ्रेश होता हूँ, थोड़ा मूड वूड सेट करता हूँ फिर अब इसलिए दोबारा आया हूँ, तो इसलिए तो इसको अभी एंड नहीं करेंगे, इसको एंड करेंगे हम सुबह, जैसा कि और ब्लॉग डालेंगे अभी वो अभी हम कल आपको कल बताएंगे कब डालेंगे ब्लॉग, जैसा कि गाइस ठीक है गाइस, तो मिलते हैं सुबह। ओके तो हेलो गाइस, सुबह हो चुकी है, तो सुबह गुड मॉर्निंग छोटे को दूर से डोंग रहा हूँ, आई होप सब बढ़िया होंगे, मैंने कहा था सुबह मिलेंगे एक बार, तो यार सुबह देखो बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और इस ब्लॉग को मैं अभी एंड करता हूँ और बारिश से करता हूँ।